ट्रायंगल, ठीक है, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्वेश्चन किसने जो बोला आप पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ये कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है, लिख दिया मैंने यहाँ पे एल्टीट्यूड, वो कैसा है, 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे, इसके बेस से। तो बेस की जो भी डायमेंशन होगी, जो भी लेंथ होगी, उससे कितना कम कर दिया, 7 सेंटीमीटर कम कर दिया। तो मेरे पास ये क्या गया, एल्टीट्यूड आ गया। अब यहाँ से मेरे को एक रिलेशन देखने के लिए मिल गया कि अगर मुझे बेस पता चल जाए, बेस कितना सेंटीमीटर है, तो मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, एल्टीट्यूड की निकाल सकता हूँ। हम कंसिडर करेंगे लेट दी बेस, लेट दी बेस इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। हमने मान लिया जो बेस की लेंथ है वो कितनी है, एक्स सेंटीमीटर है। तो एल्टीट्यूड बताओ कितना रहेगा मेरे पास, एल्टीट्यूड मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। तो मेरे पास दोनों चीजें आ गई, एक क्या गया मेरे पास, बेस भी आ गया, और दूसरा क्या गया मेरे पास, एल्टीट्यूड भी आ गया। क्वेश्चन में और क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि हाइपोटेनियस इज, क्या गिवन है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। आप बताओ एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीन चीजें होती है, एक बेस होता है, क्या क्या है, ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये हो गया एल्टीट्यूड, यानी कि परपेंडिकुलर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू मेरे पास है, एल्टीट्यूड की भी मेरे पास है, और बेस की भी मेरे पास है। निकालना क्या है, तीनों की, दोनों साइड की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। जब राइट एंगल ट्रायंगल आपको क्वेश्चन में कहीं भी देखने के लिए मिले, तो आप नीचे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या लगा दो, बाई यूजिंग पीटी थ्योरम, क्या बोलते हैं इसको, पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या है ये, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, हाइट, हाइट को ही क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर की जगह क्या आएगा यहाँ पे, एल्टीट्यूड की वैल्यू आएगी, बी की जगह क्या आएगा यहाँ पे, बेस की वैल्यू आएगी, और एस की जगह क्या आएगा यहाँ पे, हाइपोटेनियस की वैल्यू आएगी। तो लगा दो 13 का स्क्वायर हो गया इक्वल्स परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना मेरे पास, एक्स माइनस 7, तो एक्स माइनस 7 का स्क्वायर हो गया, और प्लस बेस, बेस कितना हमने कंसिडर किया, एक्स कंसिडर किया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके फैक्टर्स निकालना है। तो अब इसे सॉल्व कर देंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे कितना रहेगा, 169 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्सटेंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। क्या भाई, हमने ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी एक्सपेंड करी, और प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, एड हो जाएंगे, तो 169 स्क्वायर कर देते हैं, माइनस का 49 हो जाएगा, इक्वल्स एक्स और एक्स एड हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 14x। जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बचेगा 120, इक्वल्स में आ गया 2x स्क्वायर माइनस के 14x। इनको सेपरेट कर लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जनरेट करेंगे इसको, तो ये माइनस प्लस का 120 जब भेज देंगे माइनस में आ जाएगा 14x माइनस का 120। पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, जैसे ही 2 से डिवाइड होगी कितनी बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस, ये बचेगा 7x, और ये बचेगा माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये क्या हो गई, इक्वेशन रिड्यूस हो, और जब इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी तो फैक्टर करना आसान रहेगा। तो 60 के ऐसे फैक्टर हमें निकालना है कि माइनस करके आ जाए 7, तो कितना होगा 12 माइनस 5, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x। 7x की जगह क्या बचेगा, 12 माइनस 7, 7x की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 12 माइनस 7, और ये आ गया मेरे पास माइनस का 60। क्या हो गया, हाथ हो गया, दिक्कत हो रही। तो इसके फैक्टराइज कर दीजिए, और इसके फैक्टर होते हैं 12 माइनस 5, क्योंकि 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7, और 12 में 12 5 गया कितना होते हैं 60। ये हमारे पास आते हैं इसके फैक्टर्स, जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x, और ये माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाल लेते हैं x, तो ये बचेगा x माइनस 12, यहाँ से कॉमन आ जाएगा प्लस का 5, तो ये बचेगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x माइनस 12 वन टाइम लिख देंगे, और ये x प्लस 5 वन टाइम आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये x की एक बार वैल्यू आएगी, इक्वेट करेंगे जब हम इसको कितनी, x इक्वल्स टू 12, और जब दूसरी बार में इसको इक्वेट करूंगा कितना देगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, जो कि कैसा आने वाला है, माइनस का, जो कि क्या नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। जो आंसर प्लस का है उसको हम वैलिड मानेंगे, जो आंसर माइनस का है, क्योंकि लेंथ कभी भी किसमें नहीं होती, माइनस में नहीं होती। तो करेक्ट आंसर इज 12। अब जब यहाँ से मेरे को 12 मिल गया, तो किसका आंसर आया, ये x का, और x क्या था, x का बेस, इसका मतलब बेस कितना है, बेस हमारे पास आ गया है x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। और जब बेस 12 आ गया तो एल्टीट्यूड कितना आने वाला है बताओ, एल्टीट्यूड था x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड है, और 7 सेंटीमीटर का बेस है, 12 सेंटीमीटर का बेस है, तो ये क्या होगा, इसके करेक्ट आंसर।
तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला गया कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस 13 नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ मिट्टी के बर्तन पॉटरी आर्टिकल्स तैयार करती है, मैन्युफैक्चर करती है। कह रहा है कि इट इज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर प्रोड्यूस ऑफ आर्टिकल्स। क्या कह रहा है, जो कॉस्टिंग मिली एक पर्टिकुलर डे में, हमने देखा कि जो कॉस्टिंग मिली आर्टिकल्स के प्रोड्यूस होने की वो 3 रुपए ज्यादा मिली। कितने से? जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं उसके 2 गुने से 3 रुपए ज्यादा। यानी कि कॉस्टिंग की जो बात करी है वो 3 रुपए ज्यादा करी। कितने नंबर ऑफ टॉयज से? जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं उसके 2 गुने से 3 रुपए ज्यादा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एक दिन में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स पोल्ट्री इंडस्ट्री क्या करके प्रोड्यूस कर रही है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स। अब अगर x नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस हुए हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो कितनी आने वाली है? कॉस्टिंग बताओ, सीधा सीधा सा स्टेटमेंट बोल रहा है कि 3 रुपए ज्यादा, वो भी किससे? जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं उसके 2 गुने से। तो 2 गुने से 3 रुपए ज्यादा, और 2 गुने से 3 रुपए ज्यादा क्या होगी? कॉस्टिंग, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स है एक्स, उसका 2 गुना करा और उससे 3 रुपए ज्यादा उसकी कॉस्टिंग होगी। तो हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ गए और कॉस्टिंग आ गई 2x+3। अब जिस पर्टिकुलर डे पे एक बार हमने चेकिंग करी तो वहां पे जो कॉस्टिंग आई आर्टिकल्स के प्रोड्यूस होने की वो कितनी आई? 90 रुपए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, बिल्कुल एग्जांपल ये जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिजिट्स चेंज करी गई है। यहाँ पे टॉयज प्रोड्यूस करे जा रहे थे, यहाँ पर पोल्ट्री प्रोड्यूस करी जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आ गया मेरे पास, जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है हमने क्या लिखा? आर्टिकल्स, उसकी लिखी हमने कॉस्टिंग। टोटल कितना रुपीज आने वाली है? 90 रुपीज के इक्वल आने वाली है। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे x, कॉस्टिंग कितनी है हमारे पास? 2x+3 इक्वल्स टू, मैं क्या रखूंगा? 90। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2x² + 3x - = 90। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करो कितना हो जाएगा? 2x² + 3x - 3 और ये माइनस का 90 हो जाएगा = 0। फैक्टराइज करेंगे तो 90 टू 180 कैसे फैक्टर? माइनस कर जाए 3। तो आप निकाल लेंगे इसको ट्री मेथड लगा करके, ये हो जाएगा 2x² + 15 - 12, क्योंकि 15 में से 12 गया 3 और 15 × 12 होते हैं 180 = 0। यहाँ रहेगा हमारे पास माइनस के 90, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2x² x अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 15x, फिर से प्लस माइनस -12x माइनस का 90 = 0। कॉमन निकाल लेते हैं, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सिवाय x के, तो x कॉमन आ गया 2x + 15। यहां से कॉमन निकालेंगे माइनस के 6, माइनस 6 क्यों कॉमन निकाला? क्योंकि x के मल्टीप्लाई में क्या चाहिए? 2 चाहिए और प्लस में क्या चाहिए? 15 चाहिए। तो 6 से जब हम 12x पर डिवाइड करेंगे जाएगा 2x, माइनस माइनस जाएगा प्लस, 16 से 15 टाइम डिवाइड हो जाता है 90। तो ये दो ब्रैकेट्स मेरे पास बन गए हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं, जो जाएगा 2x + 15 = 0। एक मेरे पास हो जाएगा x - 6, ठीक है, या मल्टीप्लाई में ये लिख सकते हैं x - 6, दोनों को भी इक्वेट कर लेते हैं। तो 2x + 15 = 0, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आई? -15/2, जो कि वैलिड नहीं होगी, क्योंकि कभी भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स या रुपीज इसमें नहीं आएंगे, फ्रैक्शन में और माइनस में नहीं आएंगे। दूसरा वैल्यू को हम इक्वेट कर रहे हैं x - 6 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? 6। ये बिल्कुल वैलिड आंसर है, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6 भी हो सकते हैं और उसकी जो कॉस्टिंग है उसका जो प्राइस है वो 6 भी हो सकता है। तो अभी मुझे करना क्या है, एक तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज निकालना है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालना है, दूसरी चीज उसकी कॉस्टिंग निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं बताओ? टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स टोटल आए 6, आर्टिकल्स टोटल आए 6। अगर मैं उसकी कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं तो कॉस्टिंग कितनी आने वाली है? कॉस्टिंग आने वाली है टॉय के आर्टिकल के दुगने नंबर से 3 रुपए ज्यादा। तो कितना हो गया? 2 × 6 + 3, टोटल कॉस्टिंग हो गई हमारे पास 15 रुपीज। यानी कि एक टॉय कितने रुपए का बनेगा, एक आर्टिकल कितने रुपए का बनेगा? 15 रुपीज का बनेगा। टोटल आर्टिकल कितने बने? 6 आर्टिकल बने। तो दो आंसर है 6 और 15, ये हुए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी हो गई है कंप्लीट। इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब आप लोगों को करने हैं, कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल की सेपरेट वीडियो तैयार कर दी जाए। यहाँ आप इसका जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।